लेते हैं अगली खबर। एसआई शशि कुमार की पिटाई से मोटरसाइकिल चोरी का एक आरोपी मोहसिन खान बेहोश हो गया। मोहसिन खान के समर्थकों को लगा कि मोहसिन खान की मौत हो गई है, इसलिए वे लोग उग्र हो गए और उन्होंने बारसोई थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी। उग्र भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। जब बेहोश मोहसिन खान को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में लाया गया तो पता चला कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और जीवित है। होश में आने के बाद मोहसिन खान ने केबीसी न्यूज को बताया कि उस पर कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी का एक आरोप लगा था। इस मामले में उसने न्यायालय से जमानत भी ले ली थी और बेल बॉन्ड स्थानीय थाने में भी जमा करा दिया था। इसी दौरान उनके केस के आयु शशि कुमार का तबादला हो गया। आज एसआई शशि कुमार अपने कागजात जमा करने के लिए पुणे आए तो उन्होंने आरोपी मोहसिन खान को लागर थाने में बंद कर दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिससे वो बेहोश हो गया। सर दे दिया था हमको। अच्छा सर, कुछ किया नहीं सर, उसमें आपका गलत ढंग से नाम दे दिया था। आप न्यायालय कोर्ट से आप बेल भी करा लिए, बेल करा के कागज थाना में दिए थे, ठीक। तो वो छोटा दरोगा आपको बुलाया, क्या उसका बदली हो गया था? क्या नाम है उसका दरोगा, क्या नाम है? हाँ नाम तो सर नहीं जानते, नाम नहीं जानते। तो उनको आपको क्या बोला वो छोटा दरोगा? बड़ा वो दरोगा बुलाता है। वो धक्का दे करके आपको घुसा दिया, इसके बाद क्या बोला? बोला साला तुमको केस में, इसको उसको केस में फंसा देगा, माने दूसरा केस में आपको फंसा देंगे। इसके बाद मारपीट भी किया आपसे? नहीं नहीं, मारपीट किया आपको अंदर में? कौन चीज से मारा? गुस्सा मुस्सा खूब मारा। इधर होश में आने के बाद मोहसिन खान को इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। जब इस संबंध में हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने थाना अध्यक्ष से बात की तो उनका कहना था कि वो 102 नंबर केस है आर्म्स एक्ट का। अच्छा, उसमें केस थ्रू था, पहले आईओ उपेंद्र बाबू थे। अच्छा, तो कुर्सेला चले गए जी, तो चार्ज में मनोज बाबू को मिला था जी, तो मोहम्मद मोहसिन को अरेस्ट कर लिया गया था जी, उन्हीं के द्वारा, मनोज बाबू के द्वारा आज। हाँ नहीं, उसी में मॉब थाना में आकर उसको छीनने का कोशिश किया, लेकिन उसको यहाँ से हटा दिया गया बारसोई अस्पताल। और पुलिस की गाड़ी जो है उसको पलट करके आग लगा दिया, उसका बेटा लोग और ग्रामीण लोग, थाना सिरिस्ता के सब टेबल कुर्सी तोड़ फोड़ कर दिया, सब बड़ा बाबू के चैम्बर के तोड़ फोड़ कर दिया, और यहाँ प्राइवेट सरकारी जितना गाड़ी था उस सब में तोड़ फोड़ कर दिया। चौकीदार के वो थाना के गेट पर मोटरसाइकिल था बुलेट, उसमें आग लगा दिया। हाँ, अभी सब पदाधिकारी आए हुए हैं। अच्छा, ये सर बता रहे थे कि गोली भी चला है क्या वहाँ? ये तो हम ना बता सकते हैं, हम तो ऊपर में थे, टायर के तो फट फट के आवाज किया होगा। कुछ नहीं, अपराधी को पकड़ा था अवतपुर पुलिस जी, ठीक है, तो वो एक्टिंग करने लगा है और कि उसे भी अफवाह उड़ा दिया, सब मर गया मर गया, उसी में तोड़ फोड़ किया था ना जी। गोली भी चली है क्या सर? है? गोली भी चली है क्या? तो बड़ा बताएंगे हम, तो कुछ नहीं है, बड़ा पता चलेगा। अच्छा अच्छा।